गुड मॉर्निंग नेशन, मैं राहुल रावत स्वागत करता हूँ आप सभी की अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की मुख्य खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में MBA MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट घोषित कर दी गई है विश्वविद्यालय द्वारा। आपको जानकारी दे दें, नए साल में यानी नए सत्र के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय के द्वारा MBA MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित होने वाला है। साथ ही में इस विषय पर 23 दिसंबर 2021 को विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल वेबसाइट पर MBA MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छात्र इंस्ट्रक्शन रीड आउट करके अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसी संबंध में विश्वविद्यालय की तरफ बताया गया कि 28 दिसंबर 2021 को विश्वविद्यालय का सस्टम दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें टॉप कैंडिडेटों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। अब खबर डिग्री स्तर पर बदले जाएंगे पढ़ाई का तरीका। जी हाँ, नैनीताल हर विश्वविद्यालय का सिलेबस 70% होगा एक समान, कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई इसकी बैठक। नई शिक्षा नीति के अनुरूप आगामी सत्र से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय का सिलेबस 70% एक समान रहेगा। विश्वविद्यालय सिर्फ 30% सिलेबस ही अपनी आवश्यकता के अनुरूप रख सकेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी आगामी सत्र से नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत शिक्षण कार्य होगा। इसके अनुसार सभी सेमेस्टरों में CBCS सिस्टम में पढ़ाई होगी। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति संयुक्त बैठक से लौटकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने बैठक में सभी विभागों को आवश्यकता अनुसार सह पाठ्यक्रमों के विषयों का चयन कर 10 दिन के भीतर इनका सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कुलपति ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रावधान लागू कर दिए गए हैं और इस सत्र से उत्तराखंड में भी इन्हें लागू किया जाना है। अब बात करेंगे नई शिक्षा नीति के प्रावधान, किन किन में आपको शिक्षण में बदलाव देखने को मिलेगा। स्नातक स्तर पर प्रवेश के समय विद्यार्थी कला, विज्ञान या कॉमर्स आदि में से फैकल्टी का चुनाव करेगा। इस फैकल्टी में 2 मेजर विषय सहित इसी अथवा किसी अन्य फैकल्टी में 1 मेजर विषय का अध्ययन 3 वर्षों के दौरान करना होगा। दूसरे या तीसरे वर्ष में विद्यार्थी विषय भी बदल सकते हैं, ठीक है। माइनर इलेक्टिव पेपर किसी भी संकाय के विषय का हो सकता है, यह पूर्ण विषय नहीं होगा। इसमें केवल क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर यह अनिवार्य रूप से किसी दूसरे संकाय का विषय होगा। स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में कुल 6 सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर में सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी 1, 2 अथवा 3 वर्ष की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। ऐसे में 1 वर्ष बाद न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर सर्टिफिकेट और 2 वर्ष में 92 क्रेडिट या डिप्लोमा और 3 वर्ष में 138 क्रेडिट अर्जित करने पर डिग्री ले सकता है। अब खबर कुमाऊं विश्वविद्यालय संबंधित। कुमाऊं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। छात्रों को बहुत जल्द उपाधियां मिल जाएंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय जल्द ही उपाधियां जारी करेगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने फटकार लगाते हुए कर्मचारियों को दस्तावेजों की जाँच कर जल्द उपाधियां जारी करने को कहा है। साथ ही फॉर्म को उपाधियों में हुई गलतियों का सुधार कर जल्द उपाधि विश्वविद्यालय के पास भेजने को कहा है। मार्च में कुमाऊं विश्वविद्यालय का NAC का सर्वे होगा। आपको जानकारी दे दें, विद्यार्थियों का फीडबैक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। NAC के सर्वे में इस वर्ष विद्यार्थियों से भी उनके अनुभव और विभागीय गतिविधियों का फीडबैक लिया जाएगा। NAC ग्रेडिंग में उनके फीडबैक का अति महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। 2 वर्षों से कोरोना के कारण लंबित कुमाऊं विश्वविद्यालय का नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिलिंग NAC का सर्वे अब मार्च में होगा। अतः इस विषय पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने विद्यार्थियों का फीडबैक को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर निदेशालय ने मांगी है रिपोर्ट। जी हां, 455 प्रोफेसर की भर्ती API स्कोर के आधार पर कराने का मामला। असिस्टेंट प्रोफेसर के 155 पदों पर API स्कोर के आधार पर भर्ती कराने का मामले में शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट मांगी है। निदेशक PK पाठक के मुताबिक UGC अधिनियम 2018 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इस मसले पर शासन को जल्द रिपोर्ट भेज दी जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में आज संपन्न होगी। खबर उत्तराखंड में 26 से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं। खबर उत्तराखंड में कोरोना संबंधित। उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अन्य पाबंदियों लगाने का विचार कर रही है। राज्य में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने पर गुरुवार को मुख्य सचिव डॉक्टर
SS संधु की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बीमारी के बचाव के उपाय और अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब खबर रुड़की सेविंग्स फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम्स ऑफ प्रमोजिंग विल फ्लाई। बिना परीक्षा दिए हुए पास, अब नए साल से आस। आपको जानकारी दे दे, बदहाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बीते वर्षों से कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। गरीब होनहारों के भविष्य सुधारने के लिए शुरू की गई यह योजना आने वाले वर्षों में परिणाम देगी। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए कुछ इस विषय पर ठोस फैसले हुए हैं। सरकारी इंटर कॉलेजेस में पठन पाठन सुधारने के लिए 11 का चयन राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए किया गया है। इसके साथ शहर में एक राजकीय महाविद्यालय भी शुरू होगा। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए अनेक योजनाओं का तोहफा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी सौगात धर्मनगरी में राजकीय डिग्री कॉलेजेस के रूप में दी गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं था। महाविद्यालय के भवन निर्माण चल रहा है और फिलहाल अब आश्रम में अस्थायी रूप से उसका संचालन शुरू हो गया है।